नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई एल टीवी इंडिया की एक नई वीडियो में। मौसम को लेकर अभी एक फिर ताज़ा खबर निकल कर आ रही कि यूपी में आज फिर होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए जानते को उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने आज फिर भारी बारिश की आशंका जताई है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आया पश्चिमी विक्षोभ अब पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। वहीं आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर बीते कुछ समय पहले ओलावृष्टि भी हुई और बिजली बिगड़ने के भी मामले सामने आए। यही नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग 6 लोगों की मौत का भी आंकड़ा सामने आया। इसी बीच बीते कुछ समय पहले बारिश की वजह से ये भी खबर आ रही कि किसानों की गन्ना और धान की फसल को कुछ जगह काफी नुकसान पहुंचा। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से पहले ही पश्चिम विक्षोभ आने का पूर्वानुमान जताते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था। फिलहाल पश्चिम विक्षोभ आज भी कई जगह देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कहीं कहीं पर भी ओलावृष्टि और बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के बाद मौसम साफ होता नजर आ रहा है। वहीं तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहने का पूर्वानुमान है। अगर बात करें बारिश से ठंड में कितना होगा इजाफा, तो आपको बता दें लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक बारिश की वजह से ठंड बढ़ेगी। लोगों को कपकपी का एहसास होने लग जाएगा। सुबह, रात और शाम को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होगा। बात करें पिछले 24 से 36 घंटों की अगर बात करें तो मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर में जहां न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर बात करें कि बीते कुछ समय पहले हुई बारिश कितनी कहां रिकॉर्ड हुई, तो आपको बता दें लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले कुछ समय पहले मुजफ्फरनगर में 23 मिलीमीटर, मुरादाबाद में 14 मिलीमीटर, नजीमाबाद में 34 मिलीमीटर, बरेली में 1.8 मिलीमीटर और चुरक में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई। वीडियो के आखिर में चली जानते कि आज कुछ जिलों का कैसा रहेगा तापमान। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुरसतगंज, गाजीपुर और फतेहगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं झांसी, उरई, हमीरपुर, बरेली, शाजापुर, नजीमाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल IHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।